हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज देखो मैंने न्यू यूनिफॉर्म पहनी है। कैसा लग रहा है कलर बताना जरा। पैंट का भी दिखाता हूँ, पैंट कैसे दिखाऊँ, ये दिख रही होगी आपको शायद। पैंट और शर्ट नहीं दिख रही है, एक मिनट ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ माई न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, ये स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म थी। तो कैसे लग रही है बताना। चलो तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं डेली रूटीन की तरह। लो गाइस, हम बैठ गए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अजो सिंह भी बैठ गया है और ब्रेकफास्ट भी आ गया है। बस चलो करते हैं ब्रेकफास्ट और मैं और अजो तो जाते हैं स्कूल, और उसके बाद मैम भी अपना रेडी होंगे और मैं भी स्कूल जाएंगे। आज तो लिटरली इतनी गर्मी है पूछो मत, सुबह सुबह ही बुरा हाल हो रहा है। दिन में पता नहीं क्या होगा, आज भी एक मीटिंग है दूसरे स्कूल के अंदर, पता नहीं वहाँ से कितने बजे फ्री होंगे और कितने बजे घर आऊँगा, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और आज फर्स्ट एग्ज़ाम भी है बच्चों का, PT1। अजो सिंह क्या लेके आ रहा है, सुबह सुबह कुरकुरे नहीं खाते बेटा, मेरे को मना किया ना कुरकुरे नहीं खाने, हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, कुरकुरे नहीं खाते। नहीं, दोपहर को खा लेना चाय के साथ, ठीक है ना। नहीं, फिर देख ले, अच्छा बच्चा बन जा, मना कर दिया तो कर दिया, देख ले फिर। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। लो गाइस, नाश्ता पानी तो हो गया, लेकिन हरजोत सिंह का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया है। इसको मैंने कुरकुरे नहीं खाने दिए, आप बताना गाइस भी, इसको कुरकुरे सुबह सुबह खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए ना। सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अब इसका फेस देखो। अब इसको बोला है तेरा ये जो पैकेट है, ये तेरा पैकेट तू दोपहर को खा लेना, तेरे पास ही रहेगा, बस इतनी सी बात है। चलो अब हरजोत सिंह मुझे विदा करेगा, मैं जा रहा हूँ बाइक लेके स्कूल और हरजोत सिंह ने भी उसके बाद जाना है। चला जा बेटा, खोलो गेट, मेरा पोता डेली मैनू भेजदा हूँ स्कूल नू। चलो भाई, सत श्री अकाल सारिआं नू। मैं हुण ब्लॉग शुरू करन लगी हाँ जिहड़ा मैं बनाउणा है। सर ने तो सवेरे शायद शुरू कर लिया सी ब्लॉग, टाइम हो गया है 5:30 हो गए हैं, तो मैं ट्यूशन तो हुणी जस्ट ही पढ़ा के आई सी। मैं चल थोड़ा जिहा मम्मी नूं फोन कर लवां, मम्मी नूं फोन करके हटी 5:30 हो गए, तो हुण मैं बनाउण लगी हाँ सब्जी। सब्जी 'च मैं अज बनावांगी करेले छिल के रखे हुए थे सवेर के, प्याज छिल के गई सी मैं ट्यूशन सेंटर ते, तो चलो करते हैं इन्हों ग्रैंड। मसाला मैं भुन के ही करेलों च पानी हूँ, टाइम बहुत लगता, टाइम अच्छ ज़्यादा हो गया। चलो बनाने करेले, करेले बना के फिर तुम मैं दिखावगी। चलो ठीक। लो जी गाइज, मसाला तैयार हो जाता है, तो इधर मैं करेले करने वास्ते रखते हैं, करेले भी हो जाते हैं, तो उधर मसाला भी तैयार हो जाता है। आलू छिल ले, बाकी समान आप आ, बाकी मैं दुध शेक बना लगी हाँ, विच गुरु जी पा लिया है, जोत पढ़ के आ गया। की पढ़े अज? स्पोकन इंग्लिश सीखी अज, किन्नी सीख ली है, जिन्नी सीख हुई। सारा काम हो गया, कपड़े अज फिर ढेर लग्या होया आ। गो करेले हो जाते हैं, तो सारा तड़का पुजी जाता है। चलो तुम तैयार करके फिर दिखाने। हाँ जी गाइज, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पढ़ के, तो हूँ मैं चाह रहा बाहर कुछ समान जहाँ सीटन वास्ते, तो बाहर कूड़े करकट नूं अग लाई सी, बच्चों का डस्टबिन वगैरह खाली किया, तो सीट के आना होर अखबार जी नाले लैके आने, बाहरों आलू, बाहर आलू रखे हुए कमरे च मिट्टी विच नप के। आ इत्थे लाया जी मैं घड़े, इत्थे मैं खाद तैयार करदा बूटियां वास्ते, ऑरगैनिक यानी छिलड़ वगैरह सब घड़े च पा देना, वो फिर गल जांदे आ, गलन तो बाद फिर वो मिट्टी बन जांदे आ, जिवें साइंस दे विच आपां कहिंदे आ कि डीकंपोस्ट हो जांदियां सब चीज़ां, फिर उन्हां दी बन जांदी आ खाद। अंदर तुहानूं खाद बनी हुई भी दिखाउणा मैं, ते आ सारा कुछ इहदे विच पा देना, उत्तों मिट्टी पा के ढक देईदा। हम छिलड़ पा दिते सारे दे विच जो भी सीगा, ते हुण मिट्टी पा दिंदे आ थोड़ी जी इहदे विच खलार के,
हम मिट्टी नाल टकता तो हम उत्ते पा दें थोड़ा बहुत पानी। आ बोतल रखी हुई है एवं पानी छिड़क देगा ता जो थोड़ी जी मिट्टी च मॉइस्चर आ जाए गिला हो जाए फिर जोड़े कीड़े वगैरह वो मर जाते हैं फिर हौली हौली जोड़ा समान हों सब्जी सुब्जी छिलके वगैरह वो कीड़े सारे जोड़े उन्होंने खा जाते खा के तो बना देंगे मिट्टी फिर वो खाद तैयार हो जाती है। लो गाइज आलू कढ़ के ले आए हैं तो हुण इहनूं मैं धोना आ गर्मी निकल गई पूरी पसीना निकल गया चो गया उत्थे अंदर कई आलू गल भी गए सी तो हुण इहनूं बाल्टी च पा के पहला धोने पानी दे विच फिर अंदर मैं ले जा के दिंदे आ। लो जी आलू धोकर कर लिए साफ सारे इस बाल्टी के अंदर पानी में अब ये मैम को ले जाकर देते हैं। ये लो मैम आलू अम्बलियां दे भारी है उठा के लेके जाने भी मुश्किल है। आलू ले लो आलू सब्जी ले लो आलू की सब्जी अंधेरा हो गया आलू ले लो आलू आलू की सब्जी ले लो। वो देखो मैम क्या कर रहे हैं पीछे कूलर चला के और फोन देख रहे हैं मुझे लगा रखा है काम और खुद देख रहे हैं फोन। हाँ धो के लेके आया हूँ तेरे लिए मैंने अपना काम कर दिया अब आप अपना काम करो ये लो। करेलिया सब्जी बन गई है तैयार हो गई है दही भी बन गया सलाद भी कट लिया मैं ते हुण वारी है आटा गुन्नन दी अन्ना की आटा गुन्ना क्योंकि सवेरे गुन्निया सी उस थोड़ा जा बच गया सी हुण गुन्नदे आटा चलो स्टार्ट कर दे आटा गुन्नना फिर बनावांगे रोटी। हेलो गाइस डिनर रेडी है बट हरजोत सिंह ना ये मान नहीं रहा इसको बोल रहा हूँ पहले ये खाना खा ले उसके बाद ये खानी मिठाई स्वीट्स लेकिन ये पहले नहीं पहले खानी फिर बाद में खाना नहीं खाएगा फिर इसकी चपाती नहीं अंदर जाती इसकी। अब इसको 10 बार कह दिया अभी तो बाद में खा लेना पहले खाना खा ले नहीं मान रहा इस बात को। बस खाना रेडी है बिल्कुल सब्जी सलाद रायता हरजोत सिंह भी रेडी है मैम भी रेडी है मैं भी रेडी हूँ और चलो खाते हैं खाना उसके बाद चलते हैं घूमने के लिए और अपने ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय।